हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, इस समय ग्रामीण विकास में मैं आपको योजनाओं को पढ़ा रहा था कि भारत सरकार के द्वारा ग्राम विकास को लेकर कौन कौन सी योजनाएं चलती हैं। और जब ग्राम विकास की योजनाओं को देखते हैं तो ग्राम के विकास में बहुत सारे अलग अलग केंद्रों को ध्यान दिया जाता है। जैसे गाँवों में गांवों के चलने रहने, ठीक है, हर एक चीजें, मकान की उपलब्धता हो गई, सड़कों की उपलब्धता हो गई, पशुओं से संबंधित, कृषि से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, ठीक है, इन सारे अंचलों को कवर किया जाता है। आज मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा जो है बीच में रोक के एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने ला रहा हूं, जो मैंने आपको पढ़ाया था, लेकिन कुछ चीजें उसमें आपको मैंने ये कहा था कि किसी दिन उस पर जो है बहुत विधिवत ढंग से मैं आपसे परिचर्चा करूंगा। आज मैं राजस्व बोर्ड के गठन के बारे में आपसे बात करूंगा कि इसके गठन में कौन कौन सी इकाइयां होती हैं, कौन कौन से पदाधिकारी कहां बैठते हैं, कहां उनका कार्यालय है, कार्य क्या है, ठीक है, उनके कार्य के अलावा कैसे कैसे विभाजन होता है। मैं ये भी आपसे बात करूंगा कि राजस्व विभाग में, राजस्व बोर्ड में अनुभाग कितने हैं, कौन सा अनुभाग किसके लिए कार्य करता, क्योंकि इससे सवाल पूछा जाता है कि कौन सा अनुभाग कौन सा कार्य को देखता है, किस कार्य को देखता है और करता है। तो इन्हीं पर आज परिचर्चा है, यानी आपको बहुत अच्छे से कंसंट्रेट होकर मेरी बातों को सुनना है, ठीक है, और बहुत ढंग से समझना है कि राजस्व परिषद के, राजस्व विभाग के कौन से अनुभाग में कैसा कार्य होता है, ठीक है। तो अब सभी लोग जान रहे हैं कि ये जितनी भी क्लासेज हैं टीम के द्वारा, परीक्षा प्लस का एक अपना प्रयास है कि आप सभी निःशुल्क इन सारे वीडियोज का लाभ लें। और अगर आपको लगता है कि वीडियोज के साथ साथ हमें पीडीएफ हर एक क्लास पर आधारित क्विज भी मिल जाए, ठीक है, जो आप ऐप के माध्यम से अटेंड कर सकें, उसके लिए भैया आपको क्या करना है, 3 महीने के एक प्लान से जुड़ जाइए, जहां पर आपको नाम मात्र के सहयोग शुल्क से सारी सुविधाएं हम आपको दे देंगे, ठीक है। 499 3 महीने के लिए वैलिड भी रहेगा और 3 महीने जितनी क्लासेज हम पढ़ाएंगे सभी के आपको नोट्स मिल जाएगी, दिन में जितनी क्लासेस जाएंगी। इसके अलावा आप किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिनमें मान लीजिए आपका ईपीएफओ है, ठीक है, ईपीएफओ के अलावा अगर आप यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में बैठने जा रहे हो, ठीक है, या मान लीजिए आप बीओ की परीक्षा के प्री में बैठने जा रहे हो, तो इन सभी के लिए हमारे पास क्रैश कोर्स है जिसमें हम टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको मटेरियल की भी सुविधा दे रहे हैं। तो आपको किन्हीं भी किसी प्रोग्राम से जुड़ना है, आप हमारे ऐप को, परीक्षा प्लस को गूगल प्ले स्टोर से जुड़कर वहां से सीधा किसी क्रैश कोर्स में को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अच्छा मौका है, टीम के साथ सहयोग राशि बहुत कम है सभी के लिए हर एक चीजें, क्योंकि हम आपकी चीजों को समझते हैं, ठीक है। कोई भी समस्या है तो इस नंबर पर आप कॉल करके अपनी सारी जो है जानकारी ले सकते हैं अगर कोई समस्या आती है। तो हम बढ़ते हैं आज किस पर, आज मैं आपको बताऊंगा राजस्व जो कार्य होता है अपने उत्तर प्रदेश में, इस राजस्व कार्य में क्या क्या चीजें कैसे कैसे अपनी जिम्मेदारियां निभाती हैं, सरकार ने कितने विभागों के अंतर्गत इन जिम्मेदारियों को विभाजित किया है और उन पर किन किन महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, ठीक है, इन विभागों के उप विभाग कौन से हैं, अनुभाग के तौर पर जिनको हम पढ़ेंगे, इन सारी चीजों को बहुत ढंग से समझते हैं। समझिए भैया, अगर उत्तर प्रदेश में अपने बात करें कि राजस्व कार्य कैसे होते हैं, तो ध्यान दें, राजस्व सचिव शाखा के अंतर्गत निम्नलिखित 5 विभागाध्यक्ष हैं। जो राजस्व सचिव है, ये जो शाखा होती है, इसके अंतर्गत 5 विभागाध्यक्ष आते हैं, 5 विभाग आते हैं प्रमुख। पढ़िए कौन सा, पहला तो आपका होता है राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है। दूसरी है चकबंदी आयोग, ठीक है, जो महत्वपूर्ण पद है उन पर बात कर रहे, उत्तर प्रदेश लखनऊ। तीसरा होता है राहत आयुक्त, ये उत्तर प्रदेश लखनऊ यानी सब राजधानियों में पोस्टेड है। चौथा जो इसका विभाग है, वह विभागाध्यक्ष होता है, वह होता है निदेशक, किसका, भूमि अध्याप्तिका जो निदेशक होगा वो भी इसका एक जो है अंग होता है। पांचवा जो अंग होता है वह होता है प्रमुख संपादक, किसको लेकर, जिला गजेटियर को लेकर के, कोई भी जो आपके, ठीक है, योजनाओं से संबंधित, विध से संबंधित जो चीजें होती हैं उनमें। तो जो अपने यहां राजस्व सचिव शाखा है उसके अंतर्गत 5 विभागाध्यक्ष बनाए जाते हैं, 5 पदाधिकारी मिलेंगे, एक तो राजस्व परिषद का,
दूसरा आपका चकबंदी आयुक्त तो होगा, तीसरा राहत आयुक्त तो बनता है, चौथा निदेशक भूमि अध्यापित होता है और पांचवा प्रमुख संपादक होता है जिला गजेटियर का। अब इन पांचों के बारे में जान लीजिए किसका क्या कार्य होता है, समझिए इस बात को। अपने यहां जो राजस्व परिषद है, रेवेन्यू बोर्ड है, यह राजस्व प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण विभागाध्यक्ष है, ठीक है। जब राजस्व प्रशासन आप पढ़ोगे कि अपने उत्तर प्रदेश में रेवेन्यू जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है ये कैसे कैसे कार्य करता है, तो इसमें सबसे पहली चीज मिलती है आपको रेवेन्यू, जो आपका बोर्ड बनती है, रेवेन्यू काउंसिल होती है, राजस्व परिषद होती है, ये सबसे महत्वपूर्ण अंग बन जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन कौन होते हैं, पहला तो होता है मंडला आयुक्त, सबसे बड़ा अधिकारी, फिर जिला अधिकारी एवं उनके अधीन समस्त राजस्व प्राधिकारी आते हैं, जितने राजस्व प्राधिकारियों के बारे में मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। इससे पहले लेक्चर है, जो लोग पहले देख रहे हैं ये लगभग 21वीं या 20वीं 22वीं मेरी क्लास है, सबकी सब एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें लगी है, जाकर के आप देख सकते, कोई चार्ज नहीं है वीडियोज के लिए। मंडलायुक्त को सहयोग देने के लिए अपर मंडलायुक्त होते हैं, इसी प्रकार जिला अधिकारी के अधीन अपर जिला अधिकारी, उप जिला अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक तथा लेखपाल आते हैं, समझ गए कौन किसके अंडर में आता है, इन चीजों को समझिए। सबसे ऊपर मंडल आयुक्त बैठता है राजस्व परिषद में, उसके नीचे अपर मंडल आयुक्त होगा, फिर जिला अधिकारी, फिर उप जिला अधिकारी, उप जिला अधिकारी के नीचे में एक आपका और रखा जाता है कहीं कहीं पर, ठीक है, एक अपर जिला अधिकारी, एक उप जिला अधिकारी, फिर उसके अंडर में तहसीलदार, फिर नायब तहसीलदार, उसके बाद राजस्व निरीक्षक, फिर लेखपाल। ये पूरा एक क्रम होता है इन विभाग में कार्य करने वाले पदाधिकारियों का। इसके अतिरिक्त अगर देखें राजस्व परिषद के अधीन सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रिया संचालित होती है, संरक्षण एवं अभिलेख क्रिया, ध्यान रखना, सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रिया, यह कार्य जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी के पर्यवेक्षण में, यानी इनके देखरेख में सहायक अभिलेख जो है अधिकारी के द्वारा किया जाता है। राजस्व परिषद में प्रशासनिक एवं न्यायिक सदस्य होते हैं, ठीक है, प्रशासनिक भी होते हैं, न्यायिक भी होते हैं, मतलब न्याय भी करना है तब भी उसके अंतर्गत आएंगे, इसके लिए कोर्ट में जाने की बात नहीं होती, पहले यही निपटारा होता है, और इसमें प्रशासनिक भी लोग होते हैं। राजस्व परिषद का लखनऊ में प्रशासनिक कार्यालय है, पूछ ले आपसे कहां पर है, तो लखनऊ में है। साथ ही साथ यहां पर प्रशासनिक एवं न्यायिक सदस्य वादों का निस्तारण करते हैं, प्रशासनिक सदस्य प्रशासनिक कार्यों का भी संपादन करते हैं। इलाहाबाद में राजस्व परिषद के न्यायिक सदस्य बैठते हैं, कहां, इलाहाबाद में, ठीक है, और लखनऊ में प्रशासनिक सदस्य बैठते हैं, समझ गए। जो महानिरीक्षक निबंधक होता है राजस्व परिषद का, ये पदेन अपर सचिव होता है, अपर सचिव को क्या बोलते हैं, महानिरीक्षक निबंधन, समझ गए। इनका मुख्यालय कहां पर है, इलाहाबाद में है, ये भी ध्यान रखिएगा। राजस्व परिषद का जो सृजन किया जाता है, यह राजस्व परिषद अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है, समझिए कैसे। एक तो यह विभाग हो गया, इसके आगे मैंने सारी चीजों को पढ़ा भी रखा है, आप इसे पहले के लेक्चर में देख सकते हैं। अब दूसरा जो विभाग अध्यक्ष मैंने बताया उसके बारे में समझ लें। राजस्व सचिव शाखा के अधीन दूसरे विभागाध्यक्ष, जिसको हम चकबंदी आयुक्त कहते हैं, यह आता है, ठीक है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पद है वह चकबंदी आयुक्त का होता है। इस विभाग का काम होता है कि खातेदारों की बिखरी जोतों को, मान लीजिए कोई व्यक्ति है मेरे ही नाम पर, मान लीजिए एक बीघा कहीं उस जो है 10 किलोमीटर दूर है, 5 बीघा जमीन मेरी 20 किलोमीटर दूर है, ठीक है, 15 बीघा जमीन मेरी 40 किलोमीटर दूर है, ऐसे जो अलग अलग जोतों का बिखराव है, चकबंदी के द्वारा क्या करते हैं, इन सारे जोतों को एक साथ एक जगह पर एक प्लाट के अनुसार आपकी भूमि की कीमत के अनुरूप आपको भूमि दी जाती है। तो ये जो बिखरी जोतें होती हैं खातेदारों की, उनको एकत्रित करना, ये मुख्य कार्य होता है आपका चकबंदी जो विभाग होता है इसका। साथ ही साथ यह विभाग खातेदारों की जोतों से एक निर्धारित प्रतिशत ये कटौती करके उसे विभिन्न सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भी आरक्षित करता है, ठीक है। एक व्यक्ति के नाम पर जो जमीनों की लिमिटेशन है कि इतनी जमीन हो सकती है, वो जमीन रखी जाती है, उसके अलावा अगर ज्यादा चीजें होती हैं तो सब में से रिजर्व जो है थोड़ा थोड़ा कट किया जाता है, और जमीनें जैसे आप ग्राम समाज के नाम से जानते हैं, ठीक है, गांव में ग्राम समाज की जमीन होती है, अब वो नाम ही ग्राम समाज है, मतलब वो जमीन सारे लोग सार्वजनिक होती है, सभी के लिए इस्तेमाल की होती है। ऐसे शहरों में नोडल जमीनें होती हैं, ठीक है, नगर पालिका के अंतर्गत जो आती है वो भी जमीनें सार्वजनिक जमीनें होती हैं, ठीक है। ये जमीनें किसी को भी पट्टा पर, लीज पर दे करके क्या करती है, ग्राम सभाएं हैं
या फिर आपके नगर पालिकाएं हैं, ये अपने खर्च को, अपने कर को क्या करती हैं, यहां से सृजित करती हैं। अगली चीज समझिए, खातेदारों को चक आवंटित करने के साथ साथ चकों के लिए नाली एवं चक मार्ग की व्यवस्था की जाती है। मान लीजिए आपको कोई प्लाट दिया गया तो उस प्लाट तक आप पहुंचेंगे कैसे, इसके लिए चक बनाए जो है चक मार्ग बनाए जाते हैं। ठीक है, चकबंदी आयुक्त के अधीन अपर आयुक्त चकबंदी, संयुक्त या उप या सहायक संचालक चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी होता है चकबंदी। ठीक है, साथ ही साथ चकबंदी एवं सहायक बंदोबस्त अधिकारी भी इसी में शामिल होता है। चकबंदी अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारी, चकबंदी करता तथा चकबंदी लेखपाल, ये पूरा ऊपर से नीचे का चरण होता है, ये भी मैंने पढ़ा रखा है। इसके अतिरिक्त आयतीकरण इकाइयों में आयतीकरण अधिकारी होता है, सहायक आयतीकरण अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी शामिल होते हैं। तीसरा भी जो इसका प्रमुख विभाग है उसको जानिए। निदेशक भूमि अध्याप जो का अध्याप्ति होता है, इसका कार्यालय राजस्व परिषद लखनऊ के परिसर में स्थित है। कहां पर? लखनऊ पर, जो आपकी यहां पर इसका परिसर है वहां पर स्थित है। साथ ही साथ समझिए, भूमि अर्जन अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करने के लिए जिला स्तर पर विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारियों अथवा अपर जिला अधिकारी SDM जो आप जानते हैं, इसको भूमि अध्याप्ति की तैनाती की जाती है। भूमि अध्याप्ति अधिनियम के अंतर्गत जिलाधिकारी, मंडलायुक्त एवं राजस्व परिषद द्वारा अवार्ड उनकी वित्तीय शक्तियों के अनुसार घोषित किए जाते हैं। यह जो कार्यवाही होगी, भूमि अर्जन अधिनियम, भूमि अर्जन मैनुअल तथा शासनादेशों के अनुसार ही की जाएगी, ऐसा नहीं जबरदस्ती हो जाए। ठीक है, अगली चीज ध्यान दीजिए, जो चौथा इसका विभाग मैंने आपको बताया, राजस्व विभाग के अधीन एक विभागाध्यक्ष राहत आयुक्त होता है। ठीक है, मान लीजिए आपदा आ गई तो उसमें राहत आयुक्त का कार्य बढ़ता है। ये क्या है? इस पद पर विशेष सचिव या सचिव स्तर के अधिकारी की तैनाती की जाती है। राहत आयुक्त का प्रमुख कार्य है दैवीय आपदाओं के संबंधों में आर्थिक सहायता प्रदान करना तथा आपदा प्रबंधन की योजना को तैयार करना। मान लीजिए बाढ़ आ गई, सूखाग्रस्त हो गया, ठीक है, या अन्य कोई समस्याएं हो गई, चक्रवात हो गया, तूफान हो गया, इन सब से, तो इन सभी में राहत कार्य के लिए, बचाव कार्य के लिए ये सारी जिम्मेदारी आपकी राहत आयुक्त की होती है। ठीक है, आपदा राहत का वितरण जिला अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है। पांचवा जो विभाग बनता है राजस्व विभाग के अधीन, यह पांचवा और अंतिम विभाग होता है प्रमुख संपादक जिला गजेटियर का। ठीक है, इसका जो विभाग का नाम है प्रमुख संपादक जिला गजेटियर बोलते हैं। इनका कार्यालय जवाहर भवन लखनऊ में ही आपका पड़ता है। कहां पर? जवाहर भवन लखनऊ में। इस विभाग का कार्य जिलों के गजेटियर तैयार करना है। गजेटियर में जिले से संबंधित सभी आवश्यक सूचनाएं रहती हैं। ठीक है, जो जिले से संबंधित कार्य हो रहे, क्या पर कैसे, कहां पर क्या क्या हो रहा, इन सभी से संबंधित कार्य इस गजेटियर में होते हैं। प्रदेश स्तर पर अंग्रेजी भाषा में एक राज्य गजेटियर जो 5 खंडों में है तैयार कराया गया है। शासन के राजस्व विभाग में कुल 14 अनुभाग होते हैं। जो प्रशासन है, शासन है, इसके राजस्व विभाग में 14 अनुभाग भी बनाए गए हैं। इन्हीं को पढ़िए, आपसे पूछता है कि राजस्व विभाग में कितने अनुभाग होते हैं, 14 अनुभाग होते हैं। इनके अनुभागों के कार्य भी पूछता है, तो आज इन्हीं को हमें पढ़ना है। पढ़िए, सबसे पहला हम बात करते हैं राजस्व अनुभाग एक। अब इसमें जानेंगे कि राजस्व अनुभाग एक का कार्य क्या है, समझिए इस चीज को। भूमि से संबंधित अधिनियम एवं नियमावलियों का कार्य, अंतरराज्यीय सीमा विवाद हो गया के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य में अंतरित हुए क्षेत्रों में राजस्व विधियों को लागू किया जाना। ठीक है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के गैर जमींदारी विनाश क्षेत्रों में जमींदारी का उन्मूलन तथा भूमि व्यवस्था लागू करना, जमींदारी विनाश तथा अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1960 के फलस्वरूप राज्य में निहित हुई संपत्तियों के प्रबंध हेतु उनका ग्राम पंचायतों तथा अन्य स्थानीय निकायों में निहित संबंधी कार्य करना, साथ ही साथ जो आपकी ग्राम पंचायतें हैं एवं स्थानीय प्राधिकारियों में निहित संपत्तियों का पुनर्ग्रहण संबंधी कार्य, राजस्व ग्राम का सृजन ये करते हैं तथा उनके नाम परिवर्तन से संबंधित कार्य, यह सब कुछ आपका किसके अंतर्गत होता है, यह सारी चीजें अनुभाग एक करता है। ठीक है, राजस्व का अनुभाग एक करता है, समझ गए। अब राजस्व अनुभाग दो का कार्य क्या होता है इसको समझिए। देखिए भैया, जो ग्राम पंचायत में निहित भूमि है, ठीक है, तथा अन्य संपत्तियों संबंधित सामान्य नीति का निर्धारण करता है राजस्व आपका अनुभाग दो। ठीक है, दूसरी बात,
ग्राम पंचायत के भूमि आवंटन से संबंधित आंकड़ों का संकलन किया जाता है इसके द्वारा, ठीक है, कि ग्राम पंचायत ने कौन सी भूमि किसको पट्टे पर दे रखी है, इन सारी चीजों का जो है ब्यौरा इस अनुभाग दो के द्वारा तैयार किया जाता है। साथ ही साथ इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों में निहित संपत्तियां, किस ग्राम पंचायत के पास कौन सी संपत्ति है, इनके नियंत्रण संबंधी जो कार्य होते हैं ये सब अनुभाग तीन के द्वारा किए जाते हैं। समझे, आगे बढ़ते हैं। और ये जो उनसे संबंधित आय व्यय मतलब अनुभाग दो, इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत भूमि से अनाधिकृत कब्जे, मान लीजिए ग्राम पंचायत की भूमि है जिसको आप ग्राम समाज कहते हैं, किसी ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया तो उस कब्जे को हटाना है, ठीक है, हटाने की कार्यवाही करनी है, आवंटित भूमि पर आवंटियों को कब्जा दिलाना संबंधी कार्य है, भूमि प्रबंधन समितियों से संबंधित कार्य हो गए, ग्राम पंचायत तथा भूमि प्रबंधन समितियों के वादों से संबंधित कार्य हुए, ये सारे कार्य अनुभाग दो के द्वारा किए जाते हैं राजस्व परिषद की, ठीक है। आगे देख लेते हैं अनुभाग तीन आपका क्या कहता है। राजस्व अनुभाग तीन की अगर बात करें, जो प्रमुख चीजें हैं जहां से सवाल बन सकते हैं वही बता रहा हूं, ठीक है, बाकी नोट्स में सब कुछ चीजें लिख रखी है। राजस्व सचिव शाखा के सभी 14 अनुभागों के अधिष्ठान से संबंधित कार्य करता है, ध्यान रखना, शासन के जो 14 अनुभाग है इनसे संबंधित सारे कार्य राजस्व अनुभाग तीन में किए जाते हैं, ठीक है। इस शाखा में राजस्व सचिव शाखा के अनुभाग अधिकारियों तथा अनुभाग के समूह गा एवं घा के मासिक वेतन आहरण वितरण संबंधी कार्य, समूह गा एवं घा के कर्मचारियों के चरित्र पंजिकाएं हो गई, सेवा पुस्तिकाएं हो गई, ठीक है, एवं भविष्य निर्वाह निधि पासबुकों के रख रखाव का कार्य हो गया। शाखा के अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं इनके प्रशिक्षण एवं अवकाश स्वीकृत संबंधी कार्य, ये सब कुछ कौन देखता है, अनुभाग तीन देखता है। राजस्व विभाग की सेवा नियमावली भी, ठीक, उसका समन्वय कौन करेगा, राजस्व का अनुभाग तीन करेगा। राजस्व विभाग के अस्थायी पदों की निरंतरता का कार्य या अस्थायी पदों के अस्थायी किए जाने का समन्वय कार्य, ये सब राजस्व अनुभाग तीन करता है आपका, ठीक है। राजस्व विभाग के अधिकारियों या कर्मचारियों की वार्षिक प्रवेश तथा स्क्रीनिंग के समन्वय का कार्य अपराध अनुसंधान विभाग हो गया, सत्कर्ता विभाग हो गया, प्रशासनिक न्यायाधिकरण हो गया, इन जांच परिणाम जो परिणाम आते हैं इनके बाद उस पर जो कार्यवाही करनी है वो राजस्व अनुभाग आपका तीन करता है। अब राजस्व अनुभाग चार पढ़िए, ठीक है, इसी शाखा में तीन में ही विभाग का बजट भी आता है, ये याद रखिएगा। राजस्व अनुभाग चार जो होता है, समझिए इसको, इसमें मंडल जिला तथा तहसील कार्यालयों से संबंधित समस्त कार्य करते हैं। पूछता है कि मंडल जिला या तहसील कार्यालय के समस्त कार्य किस अनुभाग के अंतर्गत किए जाते हैं, तो राजस्व अनुभाग चार होगा। अगर इन कार्यों के अलावा देखें कौन से कार्य और करता है चार, तो इसमें विभाग में IAS तथा PCS अधिकारियों के पदों के सृजन का कार्य, ठीक, जो पद बनाए जाते हैं IAS PCS के अधिकारियों के, वो ये करता है क्योंकि सचिव स्तर सब IAS ही संभालते हैं, ठीक है। साथ ही साथ राजस्व परिषद एवं जिलों में भू अभिलेखों के सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण, कंप्यूटरीकरण, ठीक है, छटनी सुधा हो गया, कर्मचारियों के समायोजन का कार्य है, समाज कल्याण विभाग है, ये सारी जितनी योजनाएं इन सभी के लिए प्रतिकर दावे चलते हैं, ये सब कुछ आपके अनुभाग चार का जो है अपना कार्य होता है। साथ ही साथ ये याद रखना, राजस्व नियम संग्रह के संशोधन हो गया या पुनरीक्षण का कार्य हो गया, लेखपाल का प्रशिक्षण हो गया, लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना हो गई, वित्त आयोग को सूचना उपलब्ध कराए जाने का कार्य हुआ, लोक लेखा समिति से संबंधित समन्वय हो गया, ये सब अनुभाग चार ही देखता है आपका, समझ गए। अगला अनुभाग पांच की जिम्मेदारी देख ले, देखो भैया इसके अंतर्गत जो आपके नए मंडल हैं, जिले हैं व तहसील हैं, इनके सृजन तथा उससे संबंधित विभिन्न कार्य किए जाते हैं, ठीक है, राजस्व अनुभाग पांच में। साथ ही साथ आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु भूमि अर्जन संबंधी कार्य यही करेगा, विभिन्न राजकीय विभागों को राजस्व विभाग की भूमि उपलब्ध कराए जाने से संबंधित कार्य यही करता है अनुभाग पांच ही। राजस्व भवन के लघु निर्माण हो गई, मरम्मत हो गई तथा रख रखाव संबंधी कार्य भी यही करता है। भारत नेपाल चीन, ठीक, या भारत चीन, इसके अलावा देखते हैं जो हमने बात किया कि ये जो आपका अनुभाग पांच है इसमें जो हमारा विवाद चल रहा है किसके साथ, इस समय कई आंखें दिखा रहे, भाई योगी जी ने कुछ दिन पहले क्या बोला, नेपाल को कुछ नसीहतें दी तो नेपाल ने सीधा सीधा बोला कि नेपाल किसी से डरता नहीं है, ठीक है। तो अपने यहां जो इसका विवाद चलता है भारत नेपाल का हो गया, और चाइना के साथ जो तिब्बत के साथ विवाद है वो भी यही देखता है मामला, ठीक है।
अंतर अगर प्रांतीय कोई सीमा विवाद हो गया तब भी वो मामला इसी के अंतर्गत होगा, ठीक है। अगर जिला तहसील के भू क्षेत्रों का पुनरीक्षण है, पुनर्निर्माण संबंधी कार्य है, तो भी ये मामला आपका यही देखता है। अब राजस्व अनुभाग 6 देखिए, इसके कार्य क्या है समझिए। इसमें अगर मुख्य रूप से देखें राजस्व परिषद से संबंधित कार्य अनुभाग 6 में ही होते हैं। इसके अतिरिक्त राजकीय आस्थान से संबंधित कार्य हो गया, कलेक्ट्रेट का नियंत्रण की जो आपकी नजूल, ठीक है, भूमि संबंधी कार्य हो गई, रेलवे की अतिरिक्त भूमि के जो है बंदोबस्त संबंधी कार्य हुआ, सत्री एवं निष्क्रांत संपत्तियां हो गई, ये सब कुछ 1954 से संबंधित ये सारे कार्य आपके किसके अंतर्गत होते हैं, अनुभाग 6 के अंतर्गत होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अनुभाग 7, भैया क्या करता है इसको समझ लें। अनुभाग 7 जो है राजस्व वसूली से संबंधित कार्य अनुभाग 7 करेगा, ठीक है। भू राजस्व तथा तकावी की छूट मान लीजिए देना है, स्थगन करना है कि मान लीजिए नेचुरल डिजास्टर आ गया तो हम तकावी नहीं लेंगे, टैक्स नहीं लेंगे, ये सारे जो करना है ये सभी काम आपका जो कार्य होता है इसको जो है ये सब कार्य आपका अनुभाग 7 करता। भू राजस्व की भाग बकाया की वसूली से संबंधित समस्त रेट याचिकाओं का कार्य यही देखेगा। जमींदारी विनाश जो प्रतिकर संबंधी कार्य है वो भी अनुभाग आपका 7 ही देखता है। आगे बढ़ते हैं अनुभाग 8 क्या करता है भैया समझिए। अनुभाग 8 भैया ये चकबंदी विभाग से संबंधित समस्त कार्य होते हैं। पूछेगा चकबंदी विभाग से संबंधित समस्त कार्य किस अनुभाग में होते हैं, तो वह अनुभाग 8 है। अनुभाग 9 समझिए, 9 में क्या होता है, इस अनुभाग में तहसीलदार एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारियों से संबंधित कार्य होते हैं। किसान बही से संबंधित समस्त कार्य आपके अनुभाग 9 में होंगे। कृषि गणना संबंधी कार्य अनुभाग 9। राजस्व अधिकारियों के शीतकालीन एवं मानसूनी दौरे संबंधी कार्य अनुभाग 9 के अंतर्गत है। खातेदारों के बीच निजी भूमि संबंधी विवाद हो गया, अन्य मुकदमा संबंधी कार्य हो गया, अनुभाग 9 को उठा लाओ। खेतों की हदबंदी संबंधी कार्य है, ठीक है, चकबंदी के अलावा हदबंदी भी होती है। नामांतरण एवं बंटवारा संबंधी जो कार्य होगा, भूलेख नियमावली से संबंधित कार्य होगा, यह सब देखता है अनुभाग आपका 9। अनुभाग 10 क्या करता है इसको समझे। अनुभाग 10 क्या करता है, अगर नेचुरल आपकी मान लीजिए डिजास्टर आ गई, प्राकृतिक कोई आपदा आ गई, तो तब क्या होगा, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता हो गया, ठीक, साथ ही सहायता के संबंध में प्रमाण पत्र व शिकायत संबंधी जो कार्य करता है वो अनुभाग 10 आपका करता है, ध्यान रखना, ठीक है। इस हेतु इस विभाग द्वारा जिला अधिकारियों को धन का आवंटन किया जाता है, हर एक विभागों को धन दिया जाता है हर एक जिला अधिकारियों को कि आप अपने जिला में इसकी रोकथाम के लिए, जैसे इस समय टिड्डी का प्रकोप बहुत ज्यादा है तो इस समय हर एक जिला अधिकारियों को भी, ठीक है, कोविड चल ही रहा है तो हर जगह पर शासन की तरफ से इस अनुभाग की तरफ से ये सारी चीजें जो है व्यवस्थित की जाती हैं। आगे बढ़िए, इसके अतिरिक्त मान लीजिए दैवीय आपदा, मतलब प्राकृतिक आपदा को दैवीय आपदा बोलते हैं, इसके फलस्वरूप हुई विभागीय सार्वजनिक परिसंपत्तियों की क्षति की मरम्मत हो गया, पुनर्निर्माण हो गया, पुनर्स्थापना हो गया, उन सभी के लिए सारे जो कार्य किए जाते हैं ये अनुभाग 10 के अंतर्गत होता है, ठीक है। उनसे संबंधित जो आपकी धनराशि मुहैया होगी वो सब कुछ आपका यही करता है। अगली चीज, यह अनुभाग मोटर बोट से संबंधित समस्त कार्य भी करता है। अभावग्रस्त क्षेत्र में मोटर वाहनों, टेलीफोन, वायरलेस तथा कर्मचारी वर्ग की व्यवस्था करेगा। यह जिला बाढ़ नियंत्रण तथा आपदा योजनाएं भी तैयार करता है। यह पूछा है जिला बाढ़ नियंत्रण तथा आपदा योजनाएं कौन तैयार करता, तो अनुभाग 10 तैयार करता है आपका, याद रखना, ठीक है। प्राकृतिक आपदा के कारण भू राजस्व हो गया, लगान एवं अन्य सरकारी देयों की माफी करना है तो यह करेगा, उसमें आपका दैवीय आपदा को छोड़कर था, दैवीय आपदा से संबंधित अगर लगान माफ करनी है तो कौन करेगा, अनुभाग 10 करेगा, याद रखना। आगे बढ़ते हैं भैया, अनुभाग 11 आपका क्या कार्य करता है, राजस्व अनुभाग, भैया ध्यान रखना, राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण तथा प्रबंधन समिति का कार्य हो गया, इनकी योजनाएं बनाने का कार्य हो गया, बाढ़ तथा दैवीय आपदा से संबंधित अधिनियम तथा नियमावली की को देखने का कार्य हुआ, वो सब अनुभाग 11 होगा, ये सब नियमावलियों को देखता है। कार्य कराने की जिम्मेदारी 10 की है और जो नियमावली बनाता वो 11 देखता, या दैनिक बाढ़ एवं बाढ़ से क्षति की सूचना का संकलन करता कि हर दिन मान लीजिए बाढ़ बरसात में जब बाढ़ जो है आपका हर जगह पर जो है चढ़ने लगती है तो उस दौरान कहां पर कितना नुकसान हो रहा है, इन सभी का संकलन ये है आपकी जो है अनुभाग करता है, अनुभाग 11 करता है, ठीक है। साथ ही साथ मौसम तथा कृषि की दशा से संबंधित जो पाक्षिक अर्धशासकीय रिपोर्ट का संकलन यही विभाग करेगा, प्रकाशन करेगा। भुखमरी की सूचना हो गई, उसकी जांच हो गई,
राजस्व प्रशासन रिपोर्ट हो गया तथा सामान्य प्रशासन रिपोर्ट फसलों तथा फलों एवं फल वृक्षों के संक्रामक रोग हो गए, कृषि विभाग द्वारा प्रसारित किया जाने वाला पक्षिक विवरण हो गया, यह सब कुछ इसी के अंतर्गत होगा। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इसमें अगर वर्षा, सांख्यिकी आंकड़े हैं, सूचनाएं मंगाने का कार्य हो गया, अग्नि दुर्घटना के कारण क्षति हो गई उससे संबंधित सूचना हो गई, तद विषयक सामान्य निर्देश निर्गत करने, दैवीय आपदाओं, लोगों के पुनर्वास की स्थापना संबंधी सब कार्य आपका राजस्व अनुभाग 11 देखेगा। 10 और 11 में अंतर को बहुत ढंग से समझना, ठीक है। अगला अनुभाग 12 आपसे क्या कह रहा, अधिकतम जो ज्योत सीमा आरोपण अधिनियम होता है कि एक व्यक्ति के नाम पर इतनी अधिकतम ज्योत सीमा हो सकती है, उस अधिनियम के क्रियान्वित नियम, अतिरिक्त घोषित भूमि के बंदोबस्त आदि का कार्य यह राजस्व अनुभाग आपका 12 देखेगा, ठीक है। इसीलिए गांव के लोग क्या करते हैं, जैसे जमीनें एक व्यक्ति के नाम पर बहुत है तो उसमें कुछ जमीनों को बाग दिखा देते हैं, कुछ को खेती योग्य दिखाएंगे ही नहीं, मतलब बहुत सारे तामझाम होते हैं, तो उस हिसाब से वो जमीनें बचत की जाती है, ठीक है। इसके अलावा भू राजस्व अधिनियम तथा भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों के अंतर्गत मुकदमों का कार्य हो गया, राजस्व परिषद का कार्य हुआ, मंडलायुक्त तथा अपर मंडलायुक्त के न्यायालय के अपील और निगरानी संबंधी कार्य हो गया, न्यायिक वाद हो गए, उनकी पैरवी से संबंधित कार्य हुआ, यह सब कुछ आपका यही देखता। खासकर एक चीज और याद रखना, 20 सूत्रीय जो कार्यक्रम रहा इसका समन्वय का कार्य, परिवार नियोजन से संबंधित कार्य हो गया, ठीक, ये सभी कार्य राजस्व जो है अनुभाग 12 के अंतर्गत आते हैं। अब 13 नंबर पढ़िए, 13 नंबर मैंने एक आपको पढ़ाया था विभाग, ठीक, इसके अंतर्गत भूमि अध्याप्ति अधिनियम से संबंधित समस्त कार्य किया जाता है, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो 1939 रहा, 62 रहा, साथ ही साथ 65 है, 1972 है, ये भाग 6 का कार्यान्वयन भूमि अध्याप्ति तथा रेवेन्यू जो है रिक्विजिशन के संचालन का कार्य आपका अनुभाग 14 देखता है। अब अनुभाग 14 वो अनुभाग 13 देखता है, अनुभाग 14 अंतिम पढ़ लेते हैं, अनुभाग 14 क्या है, ठीक है, इसका क्या कार्य है, देखो भैया सर्वेक्षण का जो कार्य होगा आपका, सर्वे का कार्य, अवलिए क्रियाएं होंगी, भू राजस्व बंदोबस्त होगा, उत्तर प्रदेश भूलोक प्रशिक्षण संस्थान है, हरदोई से संबंधित कार्य है, भूदान एवं ग्रामदान का कार्य हो गया, आवास स्थल आवंटन हो गया, ठीक है। इसके अलावा राज्यपाल के अभिभाषण से संबंधित समन्वय कार्य हो गए, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, राजस्व मंत्री के बजट भाषण का समन्वय का कार्य हो गया, यह सब अनुभाग 14 देखेगा, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के लंबित संदर्भों का जो समन्वय कार्य होगा वो ये करेगा, जनप्रतिनिधियों तथा भारत सरकार से प्राप्त संदर्भों के समन्वय का कार्य भी आपका अनुभाग 14 ही करता है। समझ गए, तो अनुभाग 14 जो कुछ मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, राज्यपाल जी बोलते हैं, इन सभी के भाषणों को तैयार करने की जिम्मेदारी इनकी है। अब हम पढ़ते हैं राजस्व विभाग के कुछ अन्य भी कार्य होते हैं भैया, इनको जान लो। देखो, राजस्व विभाग का कार्य विभिन्न अधिनियमों एवं नियमावलियों के द्वारा तैयार किया जाता है। राजस्व परिषद राजस्व न्यायालयों की शीर्ष न्यायालय है। पूछा है कि राजस्व परिषद की शीर्ष न्यायालय क्या होती है, तो वो आपकी मतलब राजस्व न्यायालय की शीर्ष न्यायालय क्या है, राजस्व परिषद रेवेन्यू बोर्ड होता है। साथ ही साथ इस रेवेन्यू बोर्ड के जो राजस्व आपके न्यायालय है इसमें इसके अधीन मंडलायुक्त जो मैंने बताया, जिलाधिकारी या अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी एवं अतिरिक्त अधिकारी बनाए जाते हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार हो गया, इन सभी के न्यायालय आते हैं, ठीक है। भूमि के अंतरण एवं उत्तराधिकारी है तहसीलदार, नायब तहसीलदार के न्यायालयों में नामांतरण जो है दाखिल खारिज वहां पर दायर की जाती है या रिपोर्ट भेजनी पड़ती है। समझ गए। अगली चीज, तहसीलदार इस कार्य को स्वयं कर सकता है या उसे किसी तहसीलदार जो न्यायिक है या नायब तहसीलदार है को भेज देता है कि आप इस कार्य को करिए। तहसीलदार न्यायिक का पद जो है प्रदेश के अधिकांश पूर्वी जिलों में है, ठीक है। तहसीलदार न्यायिक नियुक्ति होती है तो ये अपने यहां पूर्वी जिले जितने पड़ते हैं वहां पर इनकी नियुक्ति है। दूसरी चीज, भूमि का हक किसी को दिलाना, सीमांकन करना एवं बंटवारे से संबंधित जो वाद होगा, केस होगा, ये उप जिलाधिकारियों के न्यायालयों में चलते हैं, समझे। दूसरी बात, ये वाद अतिरिक्त अधिकारियों को भी अंतरित किए जा सकते हैं। नामांतरण वादों में तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध उप जिलाधिकारी के न्यायालय में अपील की जाती है, ठीक है। अगली चीज ध्यान दीजिए, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार एनटी जिसको आप बोलते हैं, तो इसका पद भी शायद समाप्त है, ठीक है, समाप्त ही है।
कि आदेशों के विरुद्ध मान लीजिए आप उससे संतुष्ट नहीं हुए तो उस आदेश के विरुद्ध आप जिलाधिकारी या अन्य ऊपरी जो राजस्व अदालतें हैं उनके निगरानी में आप फिर से अपनी जो है केस को ले जा सकते हैं। इसके अलावा उप जिलाधिकारी द्वारा पारित अपीलीय जो आदेश है इसके विरुद्ध अगर आपको जाना है तो आप मंडलायुक्त के पास या पर मंडलायुक्त या राजस्व परिषद के न्यायालय में निगरानी दाखिल कर सकते हैं कि जो है माई बाप इस पर फिर से निगरानी की जाए, मैं इस केस के फैसले से संतुष्ट नहीं हूं। अगली चीज, उप जिलाधिकारी एवं अतिरिक्त अधिकारी द्वारा हक सीमांकन एवं बंटवारे के जो वादों में पारित आदेश है इनके विरुद्ध अपील या निगरानी कौन करेगा? मंडलायुक्त करेगा या अपर मंडलायुक्त या राजस्व परिषद के न्यायालय में आप ला सकते हो। अगली बात समझिए, उप जिलाधिकारी एवं अतिरिक्त जिलाधिकारी जो होते हैं इनके द्वारा पारित मूल आदेश जो होंगे अगर आप उनसे संतुष्ट नहीं है तो उनके विरुद्ध आपको मंडलायुक्त या अपर मंडलायुक्त के पास ही जाना पड़ेगा, समझे, उनके न्यायालय में जाना पड़ेगा। इसमें प्रथम अपील तथा राजस्व परिषद के न्यायालय में द्वितीय अपील दाखिल की जाती है। उप जिलाधिकारी सदस्य ग्राम पंचायत एवं प्रधान ग्राम पंचायत के निर्वाचन से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई भी करते हैं, ठीक है। जो एसडीएम होगा अगर ग्राम पंचायत से संबंधित ग्राम प्रधान से संबंधित कोई मतलब वाद है केस है तो उन सबसे संबंधित आपका एसडीएम संभालता है। अगली चीज, इनके द्वारा पारित आदेश जो एसडीएम ने पारित किया आप उससे संतुष्ट नहीं तो जिला न्यायाधीश के न्यायालय में अपील होगी। राजस्व अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अधिकार भी होते हैं, जो आपके रेवेन्यू बोर्ड के ऑफिसर्स हैं इनको कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अधिकार दिए जाते हैं। साथ ही साथ शांति व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व भी इन्हीं मजिस्ट्रेटों पर है जो आपके न्यायिक आपके वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं। जिला स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने का जो उत्तरदायित्व है वो आपके डीएम को होता है, जिला मजिस्ट्रेट का जो है उनकी सहायता के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं उप जिला मजिस्ट्रेट तथा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट होते हैं, समझे, ये सारे लोग अलग अलग अपनी भूमिका निभाते हैं। जिला मजिस्ट्रेट एवं अन्य कार्यपालक जो मजिस्ट्रेट है इनके कार्यों का पर्यवेक्षण मंडलायुक्त द्वारा किया जाता है कि इनके कार्य कैसे कैसे हो रहे हैं। जिलाधिकारी जिलों तथा मंडलायुक्त मंडल में शासन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है, जबकि उप जिलाधिकारी जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, ठीक है। जहां पर डीएम नहीं पहुंचता वहां एसडीएम पहुंचते जरूर है, क्योंकि एसडीएम का मतलब हो गया कि आपने एसडीएम को कुछ सौंपा, ठीक है, तो प्रतिलिपि सौंपी किसी की तो वो आपका ज्ञापन किस तक जो है डीएम तक पहुंच गया। जिलाधिकारी एवं मंडलायुक्त जिले या मंडल में स्थित राज्य सरकार के विभिन्न विभागों पर नियंत्रण रखते हैं। स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत अगर बात करें तो जो केस होंगे कोई भी वाद होंगे इनकी सुनवाई कलेक्टर स्टाम्प के द्वारा की जाती है, ये एक पद है कलेक्टर स्टाम्प उसके द्वारा होगी। कलेक्टर की इस परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन आएगा? एक तो अपर कलेक्टर होगा, उप कलेक्टर होगा तथा स्टाम्प विभाग के अधिकारी भी आते हैं, ये सभी इसी के अंतर्गत शामिल है जिसको कलेक्टर स्टाम्प बोलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इनके द्वारा जो पारित आदेश होंगे उनके विरुद्ध मुख्य राजस्व निरीक्षक प्राधिकारियों के न्यायालय में अपील या निगरानी दाखिल की जा सकती है, समझे। अगली चीज समझिए, मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी की परिभाषा के अंतर्गत मंडलायुक्त व अपर मंडलायुक्त तथा राजस्व परिषद के न्यायालय आते हैं, समझे। कलेक्टर स्टैंप के न्यायालय में दायर वाद में निहित धनराशि के अनुसार मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी का न्यायालय तय किया जाता है, अर्थात कलेक्टर स्टैंप के आदेश के विरुद्ध किस न्यायालय में अपील या निगरानी होगी इस बात का निर्धारण कलेक्टर स्टैंप के न्यायालय में चले वाद में निहित धनराशि के आधार पर किया जाता है कि कितनी धनराशि का मामला है, उस जितनी धनराशि होगी उस अनुसार उसमें जो है न्यायालय चुने जाते हैं कि इसका अगर आपके इसके विरुद्ध आपको फिर से, ठीक है, रिपोर्ट करनी है तो आप वहां कर सकते हैं, अपनी अर्जी दे सकते हैं। जिला मजिस्ट्रेट अपर जिला मजिस्ट्रेट को आयुध अधिनियम और अन्य विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत मूल वाद की सुनवाई करने का अधिकार है। और मान लो ऐसा आदेश कोई इन्होंने दिया, अपर जिला मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट ने दिया और इनके विरुद्ध आप दाखिल अपील की सुनवाई का अधिकार मंडलायुक्त को होता है, डीएम या एसडीएम ने जो फैसला दिया उस फैसले के विरुद्ध आप अपील करेंगे तो मंडलायुक्त को अपील करेंगे, समझे। अगली चीज, अन्य कुछ अधिनियमों के अंतर्गत वादों की सुनवाई का अधिकार भी उप जिलाधिकारी अपर जिलाधिकारी एवं जिलाधिकारियों को होता है। इन न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अधिकांश मामलों में अपील या निगरानी सुनवाई का अधिकार जिला जज या मंडलायुक्त को होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इनको दिया गया है। भू अभिलेख का रखरखाव है इसका उत्तरदायित्व जिलाधिकारी को सौंपा गया है भैया,
ठीक है, ये कार्य स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ जो है अधिकारियों एवं कर्मचारियों के माध्यम से संपादित करते हैं। प्रदेश के सभी भू अभिलेख अर्थात खतौनियों का कंप्यूटरीकरण किया गया है और अब केवल कंप्यूटरीकृत खतौनी तहसील स्तर से निर्गत किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने एवं उसके प्रबंध का उत्तरदायित्व जो है राजस्व विभाग का है। सार्वजनिक भूमि से अनाधिकृत कब्जों की बेदखली का अधिकार भी तहसीलदार को दिया जाता है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उससे अगर किसी ने कब्जा किया है तो उस कब्जे को हटवाएगा तहसीलदार आपका, समझे। अगली चीज, उनके द्वारा विद्युत जो पारित आदेश है उस आदेश के विरुद्ध आप जिलाधिकारी या अपर जिलाधिकारी के न्यायालय में निगरानी का प्रावधान है, ठीक है। गैर सार्वजनिक भूमि के आवंटन का अधिकार उप जिलाधिकारियों को दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के समस्त खातेदारों या सह खातेदारों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना योजना का संचालन किस दिन 5/10/2004 के द्वारा किया जा रहा है। यदि व्यक्ति का नाम खतौनी में खातेदार या सह खातेदार के रूप में अंकित है और उसकी मृत्यु दुर्घटना में हो जाती तो उसके वैधानिक उत्तरदायित्व या उत्तराधिकारियों को बीमा कंपनी द्वारा 1,00,000 रुपए की धनराशि दी जाती है, ठीक है। बीमा प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा बीमा कंपनी को किया जाता है। तो ये सारी चीजें उनके पूरे कार्य हैं, इनके अनुभागों के कार्य हैं, विभाग के कार्य हैं। तो राजस्व परिषद इसके अलावा कुछ नहीं है। मैंने राजस्व अधिकारी को पढ़ा रखा है, लेक्चर जाकर के आप देख सकते हैं कि राजस्व अधिकारी कौन कौन होते हैं। इसके अलावा मैंने राजस्व न्यायालय के गठन के बारे में पूरा परिचर्चा बहुत व्यापक ढंग से की है, लेक्चर पढ़ा हुआ है 10+ कोर्स के अंतर्गत, आप जाकर के देख लीजिए, ठीक। राजस्व से संबंधित अन्य भी चीजें आपकी मैंने करवा रखे हैं, यही बाकी था, आज मैंने इसको भी आपको पढ़ा दिया। तो 3 टॉपिक ये, बाकी जो मैंने लेक्चर पढ़ाए उनको ढंग से पढ़िए, नोट्स को पढ़ते रहिए, ठीक है। तो ये जो आपकी टेंशन सबसे बड़ी है कौन सी किताब पढ़ें, इससे बाहर किताबें भी नहीं होती हैं, ठीक है। इस समय योजनाएं मैं पढ़ा ही रहा हूं तो वो सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। ऐसे मस्त होकर पढ़ते रहिए, टीम परीक्षा प्लस हमेशा बेहतर से बेहतर आपके लिए करती रहेगी। जो कुछ सबसे हमें बेस्ट लगता है वो हम आपको देने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो कुछ बढ़िया बढ़िया कमेंट से जो है कमेंट सेक्शन को सुशोभित कीजिए आप लोग, और फिर मिलते हैं इसके बाद नए लेक्चर में। तब तक मस्त होकर पढ़िए, धन्यवाद।